हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम यूनिट्स के इस वीडियो में पढ़ेंगे मीटर और लीटर से बड़े पैमाने और मीटर लीटर से छोटे पैमाने। कैसे हम चुटकियों में आसानी से ट्रिक में याद करके हम समझ पाएंगे कि कैसे हम मीटर लीटर से जो बड़े पैमाने हैं उनको लर्न करें और जो मीटर लीटर से छोटे पैमाने हैं उनको लर्न करें। तो सबसे पहले हम मीटर लीटर से बड़े पैमाने को देखते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी कविता आप लर्न रखेंगे, कौन सी? डे का दस है किलो हजार, हेक्टो से समझो सौ बार। वंस अगेन, क्या? डे का दस है किलो हजार, हेक्टो से समझो सौ बार। तो चलिए इसको हम प्रमाणित करते हैं। भाई, हमने जो कहा, क्या ये तो ब्रह्म वाक्य है नहीं कि ब्रह्मा जी ने कह दिया, जो हम कह देंगे वो सही हो जाएगा? चलिए आप ही आजमा लीजिए कि डे का दस है किलो हजार। डे का दस है मतलब एक डेका मीटर बराबर दस मीटर, और एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर, और एक हेक्टोमीटर बराबर सौ मीटर। हो गया कि नहीं? अब आप कविता पर आइए। डे का दस है, एक डे का मीटर बराबर दस मीटर, किलो हजार, एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर, हेक्टो से समझो सौ बार, एक हेक्टोमीटर बराबर क्या हो गया? सौ मीटर। यही चीजें हम लीटर के लिए भी कर सकते हैं कि एक डे का लीटर, बस मीटर की जगह पे लीटर करना है, एक डे का लीटर बराबर दस लीटर, एक किलो लीटर बराबर एक हजार लीटर, एक हेक्टोलीटर बराबर सौ लीटर, ये हो जाएगा। अब मीटर और लीटर से छोटे पैमाने देखने के लिए हम इनको समझेंगे। कैसे समझेंगे कि मीटर लीटर से छोटे पैमाने? अभी तो ये बड़े पैमाने हैं, मतलब कि दस मीटर में एक डेका मीटर, एक हजार मीटर में कितने? एक किलोमीटर, और सौ मीटर में कितना? एक हेक्टोमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे मीटर लीटर से छोटे पैमाने। डेसी दसवां सेंटी सौवां है हजारवां भाग मिली, डेसी दसवां सेंटी सौवां है हजारवां भाग मिली। डेसी दसवां भाग है, डेसी दसवां भाग का मतलब कि एक डेसी मीटर बराबर एक बटा दस मीटर। उल्टा करके आप लिख लीजिए, एक मीटर बराबर, तिरछा गुणा करिए, दस डेसी मीटर। हो गया कि नहीं हो गया? फिर सेंटी सौवां, एक सेंटीमीटर बराबर एक बटे सौ मीटर, मतलब एक मीटर बराबर हो जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सौ सेंटीमीटर, और है हजारवां भाग मिली, तो एक मिलीमीटर, सॉरी, एक मिलीमीटर बराबर एक बटा एक हजार मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मीटर बराबर एक हजार मिलीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीटर लिखे, डे का दस है किलो हजार, हेक्टो से समझो सौ बार, डे का मीटर बराबर दस मीटर, एक किलोमीटर बराबर एक हजार मीटर। तो इस तरह से हम मीटर और लीटर के छोटे बड़े पैमाने को बड़ी आसानी से याद रख सकेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए यूजफुल बनाइए। तो अभी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से आप एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलेंगे। किसी भी यूनिट को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे आप बदलेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? एक किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तो सबसे पहले क्या देखना है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। छत पर चढ़ने के लिए पहले हम कूद कर छत पर चढ़ जाएंगे कि पहले हम स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप इसमें होगा कि हम लिखेंगे एक किलोमीटर, वन किलोमीटर इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर, और चूंकि हम जानते हैं
वन मीटर इक्वल टू कहाँ गया, वन मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1000 मिलीमीटर। अब इसको रिवर्स करके लिखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसका मतलब है 1000 × 1 मीटर। क्यों गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कहेंगे ही नहीं, गलत कह ही नहीं सकते हैं। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1000 × 1 मीटर। अब हम यहीं लिख लेंगे, 1000 को 1000 ही रहने दीजिए और 1 मीटर की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1000 मिलीमीटर। अब ये हो गया 1000 मिलीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो गया, 10 लाख मिलीमीटर, मतलब 10^6 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10^6 मिलीमीटर। इसी प्रकार से हम अन्य प्रकार के यूनिट्स को अदर यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो आप इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।